अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आपका क्लास वर्क भी है और वो आज लोड कर दिया जाएगा और उसके बाद आज आपको सेट्स के डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो बताए जाएंगे। आर्टिकल नंबर 1.22 से स्टार्ट है। सेट नोटेशन तो कल आपको बता दी थी, टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव, सेट बिल्डर और वेन डायग्राम। आज आपका जो सेट्स हैं उसकी काइंड्स डिफरेंट फॉर्म में दी गई हैं, मसलन नल सेट और एम्प्टी सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट। Null set, a set which has no element is called null set. A set which has no element वालेकुम सलाम। सब जो बच्चे सलाम मुझे भेजते हैं, अब आप क्लास में एंटर हो चुके हैं और ये बोर्ड पे स्टार्ट का काम शुरू हो गया। अब आप खामोशी से एंटर होते जाइए ताकि हम अपना स्मूथली वर्क पे और स्टार्ट रखें। सब कुछ जो भी यहाँ पे किया जाता है वो आपको कॉपी पे लिखना होता है। जो कॉपी नंबर 1 है इस वीक के अंदर, जो कॉपी नंबर 1 पे कर रहे हैं, तो ये कॉपी नंबर 1 पे ही सब कुछ किया जाएगा। होमवर्क भी उस पर होगा और ये क्लास वर्क भी, वर्चुअल क्लास में भी जो कुछ कराया जाता है वो सब कुछ इसमें लिखा जाएगा। अ सेट विच हैज नो एलिमेंट्स, इस कार्ड null set. Example. A is equal to कोई एलिमेंट में नहीं है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं शो किया जा रहा, यही फॉर इट इज ए नल सेट। और इसको इस अल्फाबेट ग्रीक अल्फाबेट है, इसको फाई कहते हैं, फाई और फाई कहेंगे और ये दोनों या तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे एम्प्टी सेट या इस फॉर्म। अगर आपने इसको ए इज इक्वल टू ये फॉर्म कर दिया, नो फाई अब आपका एलिमेंट है, इट्स नॉट ए नॉट ए नल सेट, नॉट ए नल सेट नहीं रहेगा, ए आपका नल सेट नहीं रहेगा क्योंकि आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर एज ए एलिमेंट रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो ये मेथड और ये मेथड, इन दोनों में से कोई सा भी आप देख सकते हैं। लिख लीजिए इसको बेटे। इसके फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, बहुत गौर से बताइएगा, ये एमसीक्यूज में दी जा सकती है। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू मेंबर ऑफ, इसमें एक्स इज ग्रेटर देन फाइव कॉमा, और सेकंड कंडीशन है एक्स इज लेस देन टू।
अब आप इसका आंसर मुझे बताइए। वो नंबर्स हैं जो 5 से ग्रेटर हैं और 2 से लेस हैं। एक्स कौन से, मैंने आपको एग्जांपल दी है, एक्स आर एक्स आर दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 2। जो 2 से लेस हो क्या वो 5 से ग्रेटर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। देयरफॉर इट इज ए एम्प्टी सेट, इसका आंसर होगा एम्प्टी सेट और नल सेट। इसका आंसर क्या होगा? नल सेट होगा, क्योंकि एक्स जो को हमने रिप्रेजेंट किया है कि 5 से ग्रेटर है, और दूसरे साथ हम ये भी कह रहे हैं एंड एक्स इज लेस देन 2, तो एक्स की वैल्यू 2 से लेस है यहाँ पे इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में बताया जा रहा है कि एक्स ग्रेटर देन 5 है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं जो 5 से ग्रेटर हो लेकिन 2 से लेस, देयरफॉर इट्स ए एम्प्टी सेट। इस तरह ये आपको देखकर नीचे बहुत सारे आंसर ले दिए जाएंगे, तो पिक द करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आंसर का आपका ये एम्प्टी सेट होगा। ओके, कर लिया बेटे आपने। फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट जिसकी बाउंड्री होती है फाइनाइट सेट, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 up to 100। 1 से स्टार्ट हुआ 100 तक, ओके, फर्स्ट भी नंबर का मालूम है हमें और लास्ट भी नंबर मालूम है, और इसके इन बिटवीन नंबर आ रहे हैं, तो जिसके दोनों साइड में बाउंड्री मौजूद हो वो फाइनाइट होता है, और जिसके दोनों साइड में ना हो वो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होगा? देखिए 1, 2, 3 लास्ट का नंबर नहीं बताया गया, या फर्स्ट में नंबर नहीं बताया गया, दैट इज -3, -2, -1। देखिए -1, -3 पता है कहां से स्टार्ट हो रहा है माइनस का नंबर, फर्स्ट में शोन, इसमें फर्स्ट एग्जांपल में हमें फर्स्ट नंबर मालूम है लेकिन लास्ट का मालूम नहीं, सेकंड में हमने लिखा है हमें फर्स्ट का मालूम नहीं स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट का मालूम है, तो इट मींस ऐसा सेट जिसके अंदर दोनों साइड में से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के ऊपर कोई नंबर ना हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेट को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। तो ये फाइनाइट सेट जिसकी बाउंड्री होती है, और इनफाइनाइट सेट जिसकी बाउंड्री नहीं होती, इसका जिसका किसी साइड में भी एंड पॉइंट ना हो उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ओके, अब इसको लिख लीजिए, फिर इसको हम नेक्स्ट करवाते हैं। इसको कर लीजिए बेटे, कॉपी पे लिख लीजिए, इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सॉल्यूशन में, सेट के सॉल्यूशन में भी पूछी जा सकती हैं, डेफिनेशन फॉर्म कंप्लीट करवाने में भी पूछी जा सकती हैं, और एमसीक्यूज में भी। देखिए आप 44 मार्क्स के एमसीक्यूज आए, तो इसमें एक एमसीक्यूज अगर आपका सही हुआ तो 2 नंबर उसके थे, 2 मार्क्स थे, तो आप 2 मार्क्स में देयर इज जस्ट 1.1 आपके परसेंटेज, अप्रोक्सीमेटली 1% के इक्वल नंबर बन जाता है, तो एक अगर आपका एमसीक्यू गलत हुआ तो 1% आपकी डाउन हो गए। तो ये आपने सिर्फ इसको समझना है, उससे पिक करना है कि आप हमें आंसर किस तरह चेक करना है, मैंने इसलिए इसकी साथ साथ एग्जांपल देते हुए आपको बता रहा हूँ ताकि आपके एमसीक्यू भी हो जाए और साथ उनकी डेफिनेशन भी आपको याद हो जाए।
डिबेटेड लिख लिया। यदि आप हम नेक्स्ट करते हैं इक्वल एंड सेट, इक्वल और इक्वल एंड सेट में क्या डिफरेंस है वो आप बताया जाएगा। इक्वल एंड सेट equivalent और equal sets, equal sets and equivalent sets A is equal to X, Y, Z. And B is equal to Y, Z, X. अब आप देखें दोनों में दो सेट दिए गए A and B set. इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? फर्स्ट में 3 और सेकंड में देखिए उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। ऐसे दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स बोथ आर टू बी सेम दे आर कॉल्ड इक्वल सेट। नंबर भी सेम हो, एलिमेंट्स भी सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो। अब कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें भी 3 है, इसमें भी एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो गए और एलिमेंट्स भी सेम है, इसमें भी है, एक्स वाई जी इसमें भी है, अरेंजमेंट डिफरेंट है कर दी गई है, लेकिन नंबर सेम हो तो हम इसको क्या कहेंगे? इक्वल सेट। देयरफॉर ए इक्वल टू सेट, ए इज इक्वल टू सेट बी। इक्विवेलेंट सेट इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं लेकिन एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स is equal to 4. इसमें number of elements इसमें भी number of elements four है, लेकिन elements are not the same. नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए हम कहेंगे इनको इक्विवेलेंट सेट। ओके, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट का सिंबल, इसको वैसे ज्योमेट्री के अंदर सिमिलर कहते हैं। ए इक्विवेलेंट बी, A equal to B. बेटे इनको लिख लीजिए इक्वल सेट एंड अनइक्वल सेट, इक्वल सेट एंड अनइक्वल सेट। टाइम पे बेटे आया करें, जैसे आप लेट होंगे तो काम स्टार्ट हो चुका होगा, फिर आपको प्रॉब्लम होता है कि आप पहले जो
स्टार्ट किया गया था जिस वक्त, उस वक्त के डेफिनेशन या क्वेश्चन आपके समझ नहीं आता। ओके बेटे, नो नेक्स्ट वन इज ए सबसेट। इसमें खास तौर पे आप समझने सबसेट और प्रॉपर सेट में डिफरेंस क्या है वो खास तौर पे समझिएगा। अक्सर इसमें इससे क्वेश्चन शुरू हो जाती है सबसेट एंड प्रॉपर सेट। सब में होता है पार्ट, पार्ट ऑफ द सेट। ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, इसके सबसेट, सबसेट इसका ए वन एक, तो आपका हर सेट का एम्प्टी सेट सबसेट होता है। एवरी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, याद रखिएगा। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ए टू सबसेट नंबर टू, आपका वन एलिमेंट लेकर एक सेट बना दिया, इस सेट में से नंबर लेकर, इसमें नथिंग भी शामिल है, नथिंग मीन एम्प्टी सेट, इसमें वन भी शामिल है, अब इसमें नंबर टू क्या आ जाएगा, नंबर थ्री। ए सबसेट इज ए थ्री इज इक्वल टू टू, ए फोर, ए फोर इज सबसेट नंबर फोर, दैट इज टू बी थ्री। ए फाइव, इनमें से आप पहले हम सिंगल का पेयर लिया था, अब वन और टू। ए सिक्स, वन और थ्री। ए सेवन, टू थ्री। ए एट, इट्स अ वन टू थ्री। अब आप आइए सबसेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो आपके एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है और इटसेल्फ आल्सो बी अ सबसेट, इटसेल्फ आल्सो बी अ सबसेट, एम्प्टी सेट और इटसेल्फ जो है वो उस हर सेट इटसेल्फ सबसेट होता है, हर सेट अपना खुद सेट रखता है, सबसेट रखता है। तो इट मींस हम सबसेट क्या कैसे लिखेंगे, इसका सिंबल देखिए, ए वन इज ए सबसेट ऑफ ए, ए टू इज ए सबसेट ऑफ A, A थ्री इज ए सबसेट ऑफ A, इट मींस ऑल आर सबसेट इस तरीके से हम। ओके,
अब सेट बनाना आ गया बेटे, पहले एम्प्टी सेट लिख देंगे, पे वन टू थ्री इंडिविजुअल, पे वन टू, पे वन थ्री, पे टू थ्री, रिवर्स नहीं आना, थ्री टू नहीं लिख देना, टू वन नहीं लिखना, ओके और इट्स सेट। अब आप कहेंगे हमें, आपको तो इसको पता होगा कि कैसे इसके सबसेट बन सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू एन होता है, और इसका फॉर्मूला होता है टू एक्सपोनेंट एन। कितने एलिमेंट्स हैं, थ्री, तो टू एल एन, टू टू की पावर थ्री इज इक्वल टू आएगा एट। अब आप देखें एट सबसेट बने, इनको नंबर ऑफ एलिमेंट कहते हैं, तो एन इनको नंबर ऑफ एलिमेंट, स्मॉल एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और फॉर्मूला क्या है, टू रेज़ पर एन, टू के का हमने एक्सपोनेंट थ्री लिया, तो टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे टू बिकम एट। देयरफॉर इसके थ्री एलिमेंट्स हैं, इसके सबसेट कितने बन गए, एट बन गए, और सबसेट रिप्रेजेंट किस तरह किया जा रहा है, इस फॉर्म में। अब आइए प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, बेटे एक लफ्ज में बोलने लगा हूं, गौर से सुनिएगा, एवरी एप्पल इज ए फ्रूट, एवरी एप्पल इज ए फ्रूट, बट एवरी फ्रूट इज नॉट एप्पल, every apple is a fruit but every fruit is not a, every fruit is not a apple। यहां पे आप देखें proper set, in set में से, in तमाम set में से, instead of this one, इसको छोड़कर, इटसेल्फ को छोड़कर, बाकी तमाम के तमाम जितने भी सबसेट्स हैं वो प्रॉपर सेट, वन टू इंडिविजुअल तौर पे हमने जो ये सेट बनाए हैं, ऐसा नया सबसेट जिसमें इटसेल्फ सेट ना हो, उस सेट को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सेट, क्या कहते हैं, प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होता है, एवरी प्रॉपर सेट इज ए सबसेट बट एवरी सबसेट नॉट ए प्रॉपर सेट, एवरी प्रॉपर सेट, ए वन इज ए प्रॉपर सेट, जिनके ऊपर मैं राइट का निशान लगा रहा हूं, ये सबसेट भी है प्रॉपर सेट भी है, क्योंकि एम्प्टी सेट लिया वन टू थ्री, ऐसा सेट विच इज सेट न्यू, द सेट विच इज फॉर्म फ्रॉम न्यू गिवन सेट, a new set formed from a given set, new set formed from a given set in which all the elements are not to be present is called proper set, is called proper set। proper set kaun sa hua,
कि किसी भी सेट में से एक एलिमेंट्स को निकाल लिया जाए और पीछे आपके कुछ लेफ्ट रहे, किसी बच जाए, एट लीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी लेफ्ट बिहाइंड, अ न्यू सेट सो फॉर्म, अ न्यू सेट सो फॉर्म द सबसेट फॉर्म फ्रॉम गिवन सेट इज कॉल्ड प्रॉपर सेट। ऐसा सबसेट जो गिवन सेट में से बनाया जाए लेकिन पीछे कोई एलिमेंट बच जाए, एम्प्टी सेट लिया तो वन टू थ्री बच गया, वन लिया तो वन और थ्री बच गया, टू लिया तो वन और थ्री, थ्री लिया तो वन और टू, वन टू लिया थ्री हो गया, वन थ्री लिया टू बच गया इसमें, तो टू थ्री लिया तो आपके पास क्या बचा? देखिए ये तमाम के तमाम सबसेट भी हैं, ये तमाम सबसेट भी हैं और प्रॉपर सेट भी, ये तमाम सबसेट भी हैं और प्रॉपर सेट भी हैं। इट मीन्स अगर इन सेट को ये तमाम के तमाम एप्पल हो तो ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, फ्रूट को हम क्या कहेंगे, फ्रूट क्या है हमारा सबसेट है, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, बट ऑल फ्रूट्स आर नॉट एप्पल, ये फ्रूट है लेकिन एप्पल नहीं है, फ्रूट में ये भी आ गया, सबसेट में आपका वन टू थ्री भी आ गया, ओके। तो इस तरह नया बनने वाला सेट जो है वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। तो इस प्रॉपर सेट सेट में क्या आएगा, प्रॉपर सबसेट में आपका ए ए वन आ रहा है इसमें, ए टू आ रहा है इसमें, ए थ्री आ रहा है और ये ए सेवन तक, आपके ए सेवन तक तमाम के तमाम आपके प्रॉपर सेट्स हैं। बेटे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, साइन लिखे हुए में या आपको आवाज नहीं आ रही या आपको समझ नहीं आ रही, कोई बात ऐसी पूछनी हो। ये जो सेट हमने इसमें से इटसेल्फ सेट जो है ये इम्प्रॉपर सेट करा, इटसेल्फ इज ए इम्प्रॉपर सेट। अगर किसी सेट में से नया सेट लिया जाए, तमाम के तमाम एलिमेंट्स ले जाए, पीछे कोई सेट ना बचे, तो वो कौन सा होता है, इम्प्रॉपर सेट होता है। तो प्रॉपर सेट क्या होगा, अगर कोई नया सेट बने और पीछे कोई एलिमेंट बच जाए, इस तरह हर नया बनने वाला सेट जो है वो सबसेट कहलाता है, प्रॉपर सेट कहलाता है। हर नया बनने वाला अगर कोई एलिमेंट बच गया पीछे गिवन सेट में से, यानी ए इज ए सुपर सेट, इस ए सुपर सेट का सबसेट ए वन भी है, ए टू भी है, ए थ्री भी है, ए सेवन भी है और ए ए एट भी सबसेट है, लेकिन इटसेल्फ हमने जब एट एलिमेंट्स वाला लिया, एट सबसेट लिया, तो एक उसमें कोई एलिमेंट नहीं बचा, ए इज ए सेट, उसके एलिमेंट्स क्या है, वन टू और थ्री, ये थ्री एलिमेंट्स, ये सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, थ्री। ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए नंबर्स को हम कोई चीज भी लिख दी जाए कॉमर्स के बाद, तो हर कोई एलिमेंट, ये एलिमेंट नंबर वन है, ये एलिमेंट नंबर टू है, ये एलिमेंट नंबर थ्री है, किसका, इस सेट का एलिमेंट, आप इसके या कुछ भी ले। नहीं बेटे, ये फॉर्म ऑफ सेट में भी आप छोड़ रहे हैं, वो फॉर्म ऑफ सेट जो मैंने बताया था वो हम नोटेशन बताई थी कि किस एक सेट को कितने फॉर्म में लिखा जा सकता है, यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेट आ गए। इसमें काइंड्स ऑफ सेट आ रहे हैं आपके, एम्प्टी सेट है, प्रॉपर सेट है, सब सेट है, ये तमाम काइंड्स में आ गए।
आपको अभी जो ये बताया जा रहा है ये आपका सबसेट का हेडिंग है, सबसेट। और ये प्रॉपर सेट, ये क्या है? सबसेट के मतलब बताया जा रहा है। ये आपको गिवन सेट ए दिया है, इसके ये सबसेट है, इसके ये क्या है? सबसेट। हाउ टू सबसेट्स आर टू बी फॉर्म, ऊपर लिख दीजिए, मैंने ये आपको दिया हुआ है, इसको आप ये तमाम तमाम सबसेट कराएंगे। ये गिवन सेट है, कोई बात नहीं बेटे, आपने पहले लिख लिया है सेट की डेफिनेशन, पहले लिख लिया है तो कोई बात नहीं, तब वो फॉर्म थे हमने उसको अरेंज कर लेंगे, जो वो तो आपको क्वेश्चन जब आएगा तो आप खुद उसको उसी हिसाब से उसका आंसर दे देंगे। ये गिवन सेट है, इसके ये तमाम सबसेट्स हैं ये, और इनमें से 1 से लेकर 7 तक क्या होंगे? प्रॉपर सेट। तो इम्प्रॉपर सेट कौन सा होगा? इम्प्रॉपर सेट इम्प्रॉपर सेट इटसेल्फ सबसेट इज कॉल्ड प्रॉपर सेट इम्प्रॉपर सेट इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर ओके बेटे, टाइम जो है वो लैप्स होने वाला है। टाइम जो है वो क्लैप्स होने वाला है, अगर आपको कोई पूछना हो तो ये जितने भी आपको होमवर्क इसमें डेफिनेशन ही पूछी जाएंगी जो मैंने आपको लिखवाई हैं, वो सब के सब आपने एक प्रॉपर वे से एग्जाम्पल देते हुए इसके देने हैं, तो मैं उसमें बता दूंगा कि आप इस क्वेश्चन पर इसके सबसेट बनाइए, इसके प्रॉपर सेट बनाइए। अभी जो आपको और टेस्ट दिया जाए, इसमें होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क में सेट की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ सबसेट होंगे, सेट को सेट की फॉर्म्स हैं, पहले आप सेट की डेफिनेशन देंगे, सेट को राइट लिखने का मेथड लिखेंगे कौन कौन से हैं जिसको हम फॉर्म के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आगे काइंड्स ऑफ सेट्स आगे, सबसेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, इक्वल सेट, ये तमाम यहाँ तक आपको ये होमवर्क आपका होगा, और क्लास में भी आपको दे दिया जाएगा, रिटर्न फॉर्म में भी बता दिया जाएगा कि आपका ये काम दोबारा से करना है, लेकिन इसमें आपको नंबर एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट कर दिए जाएंगे। लेकिन इम्प्रॉपर सेट, लेकिन सब प्रॉपर सेट नहीं है, प्रॉपर सेट सबसेट की डेफिनेशन में आपका ये सेट नहीं आ रहा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट वो इटसेल्फ जो होता है प्रॉपर सेट जो होता है, सिर्फ प्रॉपर सेट की डेफिनेशन में देखें कि नया बनने वाला सेट जो है उसके बाद उससे पीछे जिसमें जिस सेट में से सबसेट बनाया जाता है उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट बचना चाहिए,
तो अगर हम 1, 2, 3 ही को ले लें तो कोई एलिमेंट नहीं बचता। लिहाजा ऐसा सेट, नया बनने वाला सेट जिसमें कोई एलिमेंट बैक में ना बचे, उस नए सेट को बनने वाले को इम्प्रॉपर सेट कहते हैं। इसमें 8 नंबर जो है वो आपका इटसेल्फ सेट जो है वो हमेशा इम्प्रॉपर सेट होता है। इटसेल्फ कोई भी सेट इटसेल्फ को लिख लें तो वो इम्प्रॉपर सेट होगा। उसके अलावा जितने भी सबसेट होंगे वो प्रॉपर सेट भी हैं और सबसेट भी हैं। वो प्रॉपर सेट भी हैं और सबसेट भी हैं। अपना ख्याल रखिएगा बेटे, और ये काम आपको खास तौर पे करना है क्योंकि सेट का PSC MSC ताकि चलता है, ये मैथ पढ़ना हो, इंजीनियरिंग में जाना हो, और बाकी आपके तो इंटर तक तो मस्त होगा हर एक के लिए। रमेश बेटे क्या प्रॉब्लम बता, मैसेज में लिख दीजिए क्या किसी चीज